देखिए ना, आज कल हमारे हाउस की मीटिंग हुई थी, जनरल फुल हाउस ने विद वन वॉइस ये फैसला किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को और प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए गवर्नर साहब के थ्रू मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड्स रखी हैं उनकी सपोर्ट में। तो हमने आज उनकी सपोर्ट में यहाँ गवर्नर साहब के एहलकार जो थे उनको मेमोरेंडम दिया है, चूँकि गवर्नर साहब आज यहाँ है नहीं। इसके अलावा हमने दो डिमांड्स एडिशनल रेज की हैं, एक तो ये कि बार जो हमारी स्टेट बार काउंसिल नहीं है, इसकी जल्द अज जल्द इलेक्शन कराई जाए और वकीलों को वकीलों का हक दिया जाए। दूसरी बात कि हमारे जजेस की यहाँ स्ट्रेंथ 17 की स्ट्रेंथ है, जिसमें टोटल 9 जजेस यहाँ बैठते हैं। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े बड़े अच्छे जजेस हैं जो सीनियरिटी में भी हैं, लेकिन वकला लेडी लॉयर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारी लोग सोए हुए हैं इस बात पर कि हमारे पूरे जजेस नहीं दे रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोगों के फैसले नहीं हो रहे हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। और इस सेंसिटिव स्टेट में इनको चाहिए था कि आए दिन तक ये हमारी 17 की स्ट्रेंथ होनी जो थी इसको फिल करना चाहिए था, लेकिन पिछले चीफ जस्टिस साहब ने 25 के लिए मांग की है और वो लेटर जो है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब के पास पड़ा है। हम यहाँ से उनको अर्ज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उस बात पर भी ध्यान दें और हमारी स्ट्रेंथ जो है 17 से 25 तक रेज करें। तो इस सिलसिले में हम सारे लोग इकट्ठे होकर वकला कम्युनिटी के यहाँ आए थे, ये मेमोरेंडम सबमिट किया है, अब हम वापस जाएंगे और आज का दिन हमने कोर्ट में काम सस्पेंड रखा।